स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो समय समाप्त हो चुका है। तो पास्ट टेंस में सबसे पहला पार्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में इन वाक्यों के अंत में या, ये, यी आता है। और इसके रूल्स में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। जैसे उसने गाना गाया, ही sang ए सॉन्ग। sang सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ऐसे ही तुमने सेब खाया, यू ate an apple। तो ate भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही सिंगुलर है और यू भी सिंगुलर या प्लूरल जो भी है, हमने उसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डिड के साथ याद रखना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो डिड के साथ नॉट भी लगाया जाएगा। मीरा ने खाना नहीं बनाया, तो क्या कहेंगे, मीरा डिड नॉट कुक फूड। डिड के साथ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऊपर हमने सेकेंड फॉर्म लगाई थी लेकिन यहाँ पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है। बच्चों ने मैच नहीं खेला, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले द मैच। आप देख रहे हैं डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जा रही है। ऐसे ही अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले डिड फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे क्या राम ने पतंग उड़ाई, डिड राम फ्लाई द काइट। पहले डिड आया है, फिर राम सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। डिड राम फ्लाई द काइट। क्या छात्रों ने प्रश्न पूछे, डिड द स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक ने बच्चों को नहीं पढ़ाया, यहाँ पर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव दोनों इकट्ठे आ गए हैं इसलिए डिड के साथ नॉट लगेगा, लेकिन ये नॉट कहाँ लगेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट लगाया जाता है। जैसे डिड द टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट्स, तो डिड के बाद द टीचर फिर नॉट लगाया गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। Did the teacher not teach the students? और नेक्स्ट है, वह स्कूल नहीं गया, He did not go to school। तो इस तरह से हम past indefinite tense को use करते हैं।